अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गैरेज में गाड़ी खड़ी करने को लेकर छोटा सा विवाद हो गया, जिसकी निष्पक्ष जांच करवाने को लेकर व्यापारियों ने रीवा एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बबलू सोनी उर्फ दिलीप सोनी पिता विश्वास सोनी निवासी तरहटी के हैं। उन्होंने बताया उनकी दुकान सराफा बाजार जैन बंध कॉम्प्लेक्स में स्थित है। विगत दिनांक 13 को पीड़ित के ऊपर थाना सिटी कोतवाली में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। सराफा के व्यापारी गुल्लर सोनी उर्फ जयप्रकाश सोनी व उनके पुत्र प्रवीण सोनी उर्फ पिंटू सोनी के द्वारा। पीड़ित का कहना है कि वह सराफा का प्रतिष्ठित व्यापारी है। आरोपियों के द्वारा पीड़ित की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि गलती से मेरे ड्राइवर के द्वारा इनकी गैरेज में गाड़ी खड़ी कर दी गई थी। जब गाड़ी ड्राइवर खड़ी करने गया तो वह घर पर सो रहा था, घटना के समय वहां पर नहीं था। आरोपियों के द्वारा की गई शिकायत पूरी तरह से झूठी और मनगढ़ंत व बनावटी है। इनके इस कृत्य से पीड़ित और उसका पूरा परिवार मानसिक तनाव और भय में है। पीड़ित ने बताया उसे 2 दिन थाना सिटी कोतवाली पे गुजारना पड़ा, जेल जाने की भी नौबत आ गई। पीड़ित ने रीवा एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की और इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। क्या नाम छोड़ दिया यार? जी भैया, मेरा नाम बबलू सोनी है। आज शिकायत लेकर आए हैं, क्या मामला है? जी 12 तारीख को बाय मिस्टेक मेरा ड्राइवर मेरी गाड़ी बगल की गैरेज में खड़ी कर दिया था। उसको लेके उन लोगों ने फालतू का मुझसे विवाद किया है, फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लगवा दिया है। उसी का ज्ञापन देने एसपी साहब को आया था कि उसका निष्पक्ष तरीके से जांच कराई जाए और जो उचित कार्रवाई हो उसमें उसके बाद वो की जाए। किनके द्वारा ये मेरे ऊपर FIR फर्जी का दर्ज कर प्रवीण सोनी और पिता गुल्लर सोनी, फोर्ट रोड में इनकी सराफे की दुकान है और मेरी भी दुकान है, ज़बरदस्ती का इन लोगों ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया है। क्या है ना, क्या हुई थी? घटना कुछ नहीं हुई थी, अगल बगल मेरी भी गैरेज है इनकी भी। मेरा ड्राइवर नया था, वो घर से चाबी लेके गया गाड़ी खड़ी करने, गलती से इनकी गैरेज में खड़ी कर दिया। इनकी भी गाड़ी नहीं थी, खाली देख के वो खड़ी कर दिया और चला आया। ये लोग रात में आए और ताला तोड़ के खोले तो फिर ये लोग जो गैरेज मालिक हैं उनको इन्फॉर्म किए, वो हमें फ़ोन करके बुलाए, मैं सो रहा था, वो आए, रोशन नाम है उसका, रोशन पाटिल, उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि भैया ये आपकी गाड़ी ड्राइवर गलत गैरेज में खड़ी कर दिया, उसको निकाल लीजिए, ये लोग हल्ला उल्ला कर रहे हैं, भीड़ उड़ लगाए हैं। तो मैं उठ के आया तो वहाँ मैंने अपनी गाड़ी निकलवाई, इन लोगों से सॉरी बोला, तो ये लोग फिर भी कह रहे थे हमारा ताला तोड़वा दिए। मैंने कहा भैया ताला नहीं टूटा, ताला गलती से खुल गया है, आप उसको देख लीजिए। उसके बदले मैंने उनको नया ताला भी दे दिया। फिर भी रात को पूरा मामला ख़त्म हो गया, इन लोगों ने पता नहीं रात भर क्या किया, सुबह आके कंप्लेन कर दिया FIR की, इनने मेरी गैरेज हड़पने की नीयत से अपनी गाड़ी खड़ी करा दी है और मारपीट की हमारे साथ, गाली गलौज की, इसके फर्जी मुकदमे हमारे ऊपर लगवा दिए। 2 दिन मुझे थाने में बैठने पड़ा इसके कारण, मैं बहुत परेशान हूँ इन चीज़ों से। मैं ये चाहता हूँ इस चीज़ की निष्पक्ष जांच की जाए और जो उचित कार्रवाई हो उसमें वो की जाए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं इसमें तो उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई की जाए। उनने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा जो लगवाया हुआ है, 2 दिन मुझे थाने में रहने पड़ा और जेल भी जाने की नौबत आ गई।